पहले हम लोग विभिन्न स्थान में हम लोग दर्शन कर रहे हैं, अभी हम लोग श्री श्री अमरनाथ आए, अभी हमारे बीच में सुजीत प्रभु जी, अभी यहाँ का विषय में तो कुछ वर्णना करेंगे। श्री जीत प्रभु जी, श्री जीत प्रभु की जय, खड़े हो जा दर्शन, वैष्णव दर्शन। 108 जीत यात्रा के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी विषय वस्तु है हमको, जैसे धीरे धीरे जो पहली बार आए हैं और जो अनेक बार आए हैं वो धीरे धीरे श्रवण करेंगे। जैसे कि कर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, परसों वो उनकी शुभ यात्रा निकलेगी, जहाँ गुंडीचा मंदिर में वो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े ही नसीक हैं और सब पे दया करने के लिए यदि भी उनका दर्शन सब करते हैं। वो जगतपति हैं, सभी के नाथ हैं और वो सब पे दया करने के लिए सबको दर्शन देते हैं, महाप्रसाद के रूप में, भक्तों के रूप में, अपने दर्शन के रूप में। परंतु जब भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा में चढ़ते हैं, जैसे कि महाराज जी बता रहे थे, वो बहुत दयालु हो जाते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा समय है जब जगन्नाथ जी बहुत दयालु होते हैं और सभी को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, और जो लोग जा भी नहीं पाते, जैसे बहुत सारे लोग हैं, विदेशी लोग हैं और नीची जाति के लोग हैं, वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश का उनको अधिकार नहीं है, तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं उन सभी पर कृपा करने के लिए। और जगन्नाथ जी व्रत के लिए बाहर आते हैं तो देखते हैं, देखो कल आप देखोगे परसों लाखों लाखों लोग आएंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को बहुत दिनों में देखते हैं ना, तो माता पिता का प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही जगन्नाथ जी जब रथ में बैठते हैं और चारों तरफ नज़र दिखाते हैं, मेरे लिए कितने लोग आए, यदि वो तो अंतर्यामी परमात्मा है, परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं, पर उनका ना प्रेम बहुत ज़्यादा उमड़ जाता है और सब पे प्रेम से सभी के ऊपर कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि दर्शन देते हैं, किसी को अपना रूप माधुरी का दर्शन कराते हैं, तरह तरह से जगन्नाथ जी कृपा करते हैं, किसी को पाप हरण करते हैं, किसी को अपने गोलोक बुला लेते हैं, किसी को अपना संबंध जोड़कर अपने साथ प्रेम का संबंध बनाकर अपने धाम ले जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जब से आए जगन्नाथ रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, गंभीरा में रहते थे, रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। एक क्षण भी, एक सेकंड के लिए यदि भगवान का दर्शन ना होता, एक दिन नहीं होता, तो उनको कैसे लगता, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, कोटि कोटि युग बीत गए जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किए, और 15 दिनों से दर्शन बंद है, 15 दिनों से दर्शन जगन्नाथ जी खुलते नहीं। जो एक सेकंड के लिए दर्शन के लिए जो तड़पते हैं, जितना भी रहे उनके अंदर, वो 15 दिन दर्शन के बिना रह सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं आज, अलारनाथ, इनको कहते हैं अलवरनाथ। अलवर माने तो जो यहाँ के जो अलवर जाति है उसके जो नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, सभी के जो नाथ हैं,
रामानुज संप्रदाय में, कहते रामानुज संप्रदाय में जो संतों को आलकर कहते हैं, इसलिए पहले की जो ठाकुर जी का आपको उसने दर्शन किया है, ये सत्ययुग से ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी को पितामह ब्रह्मा जी ने, ये ठाकुर जी को सत्ययुग में उनका स्थापन किया, इसलिए ठाकुर कोई साधारण ठाकुर नहीं। इसलिए इनके जो रामानुज संप्रदाय में संतों को आलकर कहते हैं, पहले वो आलकर है, वो बाहर विशेष कर उसमें बाहर सन्यासी होते हैं, उनका आलकर कहते हैं, और वो आलकर लोग इनको पूजा करते थे, इनका नाम है बाकी ये ठाकुर जी का नाम आलकर नाम। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, काल क्रम से धीरे 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 वो शब्द बदलते 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 अभी लोग कहते आलकरनाथ कहते हैं, ये बदल गया, लेकिन इसका असली जो नाम है श्री आलकर नाम। और जगन्नाथ जी को वैसे तो यहाँ पर अलारनाथ में कभी भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, परंतु जो इस 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज कल लास्ट दिन है, कल तो बहुत भीड़ होगी यहाँ, पिछली बार हम एक दिन पहले आए थे कितना भीड़ था, अगर इन 15 दिनों के अंदर कोई दर्शन करता है उसको कई गुना फल मिलता है, एक गुना नहीं कई गुना उसका फल मिलता है इस 15 दिन में आए। और चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथपुरी से रोज दर्शन करने के लिए आते थे, और दर्शन करके क्या होता था, जैसे दर्शन करके क्या मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी बेहोश हो जाते। अभी जहाँ पर हम दर्शन करें चैतन्य महाप्रभु वो शिला थी, पत्थर की शिला है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भगवान की रूप माधुरी को देख रहे, कृष्ण कभी मुस्कुराए उनकी तरफ, कब कभी कृष्ण बंसी बजा रहे, चैतन्य महाप्रभु कौन है स्वयं राधा जी के भावों को लेकर आस्वादन करने के लिए आए। परंतु यदि कभी किसी गुरुवर्ग की कृपा से हम समझ सके महा भगवान के अंदर कितना रस है, कितना माधुर्य है, यदि हमें कभी किसी कृपा हो जाए गुरुवर, जब हम समझेंगे महाप्रभु दर्शन करते नहीं और पीछे में जाते थे, जिस पत्थर पर लेटे वहाँ पर आप दर्शन करके आए, महाप्रभु के हाथ के निशान, पैर सब पत्थर पूरा पिघल गया और वहाँ पर सारा निशान महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार, जो कि राधा जी के जो भाव है उनको आसन कर महाप्रभु वहाँ मूर्छित हो जाते थे। तो इतना भगवान की माधुरी, इतना वहाँ पर सुंदर इतने दर्शन होते हैं, वो स्वयं राधा जी के ही भाव का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर क्या ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की चैतन्य महाप्रभु की, और महाप्रभु ने उनको वरदान दिया कलयुग में मैं तुम्हारे आऊँगा, और ये ब्रह्मा जी के संप्रदाय को स्वीकार करके इसी में आकर शुद्ध भक्ति का प्रचार करूँगा। और यहाँ पर ही आकर जो ठाकुर जी का दर्शन करके ना अलारनाथ का सत्युग की बात महाराज जी भी बता रहे थे, भगवान कितने दयालु है, कैसे भक्तों का प्रेमों का आस्वादन करते हैं। यहाँ पर एक भगवान के शुद्ध भक्त थे ब्राह्मण, वो ठाकुर जी को रोज खीर का भोग लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, खीर का गरम गरम खीर का भोग लगाया, और जैसे ठाकुर जी भी किससे स्वीकार करते, भगवान 56 भोग दुर्योधन के उन्होंने त्याग दिए, विदुर जी घर मांग मांग के वो खाते थे। तो भगवान प्रेमी भक्तों का खाते हैं, सड़ंग शरणागति हई में जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार, जिसकी भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति होती है, भगवान उसे मांग मांग के छीन छीन के खाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अलवरनाथ ने जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने खीर में जैसी उंगली डाली, उनकी देखो उंगली में वहाँ पर दर्शन करके आए, उंगली में भी फकोला और यहाँ पर थोड़ी खीर यहाँ पर गिरी, और यहाँ पर भी उनके मुंह में भी, यहाँ पर कोट में भी उनके देखने, आप दर्शन करने का मतलब ध्यान से देखना चाहिए, फिर कथा में आनंद आएगा, आस्वादन आएगा। तो भगवान कहते हैं मैं मूर्ति नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान कोई प्रतिमा नहीं है, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, बिगड़ा नहीं है। आप जो बड़े बड़े जो रसिक प्रेमी आते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं मूर्छित हो जाते हैं दूर दूर से, और जगन्नाथ जी का स्वयं आस्वादन उनके सेवा सौंदर्य का, उनकी प्रेम माधुरी का आसन करते हैं। और यहाँ पर भक्ति सिद्धार्थ कृपाल जी ने भी यहाँ पर आके मठ बनाया, और बड़े सुंदर सुंदर अलारनाथ के लिए चैतन्य महाप्रभु के भाव को, राधा जी के जो भाव है उनका, वहाँ पर उन्होंने कृपाल जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, उसके विषय में हमारे भक्त लोग सभी लोग बताएंगे थोड़ा थोड़ा। आज हम लोग आए यहाँ पर, बहुत बहुत ही हमारे ऊपर गुरुवर की कृपा हुई है जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस पवित्र स्थान पर, और पवित्र मास में कल भगवान शुभ दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी में, फिर हम उनकी यात्रा का दर्शन करते हुए कल गुंडीचा मंदिर जहाँ जगन्नाथ जी जाएंगे उसका हम लोग मार्जन करके, और बहुत सुंदर सुंदर कथाएँ आगे आगे 2-3 दिन हम करेंगे, और सब लोग वहाँ से सुनेंगे।
सबसे पहले हमारे बात पद्म विश्वनारायण सभी पुष्प जीवन कृषिधर महाराज और अन्य गोली वैष्णव भक्त वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण भी है जिनको धन्यवाद करना। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम पूरी मठ में आए हैं, श्री गुरु जी का स्थान है जिनके सामने चक्र स्थित जो स्थान में पहले बारी ठाकुर जी दारू ब्रह्म रूप में उधर आए थे। इस दारू ब्रह्म से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का मूर्ति बनाया गया। हिंदी में एक कीर्तन है, मंदिर में रहते हे भगवान कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ कभी तुम भी मेरे घर आया करो। अर्थात भक्तवत्सल भगवान भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी भक्त को दर्शन करने के लिए रात में बैठते हैं। हम लोग जब ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तब वृंदावन धाम की परिक्रमा होती है। हम जब नवद्वीप में आते हैं तब हमारे श्रीधर बोलते हैं दोनों हाथों में लड्डू, क्या है वहाँ पे नवद्वीप मंडल परिक्रमा हो जाती है फिर भी वृंदावन धाम भी हो जाती है, क्योंकि नवद्वीप धाम का हम गुप्त वृंदावन कहते हैं। लेकिन जब पूरी धाम में आते हैं तीन स्थान की परिक्रमा हो जाती है। कैसे? ये जो जगन्नाथ का रूप है, ये जगन्नाथ का रूप बाहर में देखने के लिए ऐसा लग रहा है ना, जिनका हाथ नहीं है पैर नहीं है, लेकिन अंगानी यश सकलेन्द्र वित्ति मंत्री है ना, भगवान सारे अंगों से अपने अपना जो कोई भी अंग हो सब काम कर सकते हैं। इस जगन्नाथ में जब महाप्रभु दर्शन करते थे तो कैसे दर्शन करते थे? प्रतिमा नहोतमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, अर्थात ब्रजविलास श्री कृष्ण इस जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन जब महाप्रभु से पहले जब रथ यात्रा होती थी, लेकिन उस समय राजा के जितने कर्मचारी होते उन सब काम करते थे, लेकिन वो क्या करते हैं कर्म करते थे, सेवा नहीं होती थी। तो महाप्रभु जब आए तब उन्होंने श्री गुंडीचा मंदिर महाजन सेवा मांगी नील। इसका मतलब क्या है? गुंडीचा मंदिर जो महाजन है वो एक सेवा होती है, क्योंकि ये गुंडीचा मंदिर या सुंदराचल नीलाचल या श्री क्षेत्र पुरीधाम ये क्या है कुरुज क्षेत्र या द्वारका। तो भगवान जगन्नाथ देव नीलाचल से सुंदराचल आते हैं, लेकिन असली रूप में क्या होता है द्वारका से या कुरुज क्षेत्र से भगवान वृंदावन में आते हैं। गुंडीचा मंदिर वृंदावन का ही रूप है। तो श्री चैतन्य देव जब रथयात्रा के समय नृत्य करते थे तब महाप्रभु के अंदर में कितने सारे भाव आप देख लीजिए। एक तो बाहर में महाप्रभु हम देख रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु क्या देखते थे? कृष्ण रूप में देखते थे जगन्नाथ को, है ना, कि रात में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। ये भाव बदल जाता है, महाप्रभु से पहले जगन्नाथ को खींचते थे, लेकिन जब महाप्रभु आए हैं तब रात में कौन बैठते हैं? कृष्ण ही बैठते हैं, कि ये भावना से बदल जाता है, जगन्नाथ कृष्ण से बदल जाता है रूप से भाव से। और महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर में राधा जी का भाव है। तो नृत्य कौन करते थे? कृष्ण के अंदर में महाप्रभु के अंदर में कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण के अंदर में राधा जी का जो भाव है, मतलब राधा जी नृत्य करते थे कीर्तन करते थे करते करते कृष्ण रूप कृष्ण को
रात में बिठा करके कहाँ लेके जाना है, कुरुक्षेत्र से वृंदावन में। जब हम लोग गुरु जी सुना है, जब कुरुक्षेत्र में दोनों मिले, गोपी के साथ राधा जी आई थी और कृष्ण अपने पत्नी के साथ इधर आए थे, लेकिन अच्छा ठीक है, तो ये पॉइंट बोल करके छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे राधा जी ने कही ये यथोरथ लोकारण्य महाधूमधाम, यहाँ पे क्या है राजवेश हाथीगढ़ मनुष्य गहन, कहाँ गोपोवेश, कहाँ निर्जन वृंदावन। तो यहाँ पे जो राजवेश हाथीगढ़ में देख रहा हूँ, यहाँ पे वृंदावन का कोई भाव नहीं है, लेकिन तुम्हार चरण यदि मोर ब्रजपुर करे घरे उदय कराओ तब मोवांछा पूरी, तुम्हारा श्री चरण यदि ब्रज में लेके आओ तो मेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन गोपियों ने राधा ने खाली हाथ में वापस नहीं लौटी, कृष्ण को अपने हृदय रूप रथ पर बिठा करके लेके गए थे। तो रथयात्रा की महिमा पूरा पूरी तरह से बदल गया था। आज हम लोग जो जिस स्थान में आए हैं, ये महत्वपूर्ण इसीलिए, इस समय जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता है 15 दिन के लिए, तो महाप्रभु कृष्ण के विरह में सहन न कर सके तो इधर आकर के रहते थे, और राधा कृष्ण राधा जी के विरह में, कृष्ण के विरह में रोते थे, विलाप करते थे। तब एक पत्थर को देखा, बिगलते हुए देखा, तो ये जो पत्थर बिगल गया, ये हम बुद्ध जी भाई हम बोल सकते हैं, इस आँखों में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव और रियलाइजेशन एक अलग बात है ना। तो इस समय महाप्रभु इधर आकर के अपने विरह भाव को थोड़ा बहुत कम करने के लिए आते थे, लेकिन इसका जो रूप है ये चतुर्भुज नारायण रूप है। सत्य युग में ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या करके ठाकुर जी का दर्शन किया था, तो उस समय से यहाँ पे ठाकुर जी है, इस स्थान का नाम ब्रह्मगिरी है, कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया था। तो आपने एक लीला सुनी है, तो भगवान देखो जो पूजारियों ने पूजा करते थे उनसे एक सेवा होती है, लेकिन जब बच्चा अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने हृदय से दिल से सरलता से सेवा करती है, तब भगवान इस सेवा को ग्रहण कर लेते हैं। हर दिन पूजारियों ने भगवान को खिलाते थे, और माता की जो है पूजा के अंत के बाद जैसे हम लोग प्रसाद अंदर में लेके जाते थे, लेकिन उसी दिन हर दिन क्या होता है, बच्चा उस भोग को जब पूजा जी ने नहीं जाते थे तो घर का बच्चा भगवान को खिलाया था, तो भगवान अपना खा लिया। लेकिन जब पूजारियों ने जान लिया जे प्रसाद वापस नहीं आया, क्यों, भगवान ने सब खा लिया, तो कैसे भगवान खाएंगे। तो दूसरे दिन फिर बच्चे को बोला तुम भी भोग लगाओ, लेकिन बच्चा ने किया, माता ने पूजा जी ने कहा, पिता ने कहा तुम ठाकुर जी को खिला दो, जब तक नहीं आए तब तो वो बोलते रहे खाओ ठाकुर जी खाओ ठाकुर जी खाओ, तो बच्चा रोते रहे, तो भगवान और बच्चे के प्रेम से आकर के खाने लगे। लेकिन उस समय खीर खिला दिया था, बहुत गर्मी था, भगवान जल्दी खा रहे थे। तो क्या हुआ, जब पूजा जी पीछे कहीं छिपे हुए थे, जब भगवान खा रहे थे, उनका शब्द होता है ना खाते समय जीभ में शब्द, तो शब्द सुन करके पूजा जी आकर आ गया, अरे तुम सब खा रहे हो, ये हमारे लिए है ना, तुम कैसे खा रहे, तुम सब खा लेते हो हम लोग खा नहीं पाते। देखो बच्चा जब खिला देते हैं अपनी सरलता से, इसीलिए सरलता का दूसरा नाम वैष्णव होता है ना। तो अपने जो भगवान को दिया वो भगवान की चीज है, सतत जब करे से जदस्ना से जो जी जदाशी जब तपस्या से कौन थे तत्कुरुष मद अर्पण, गीता में जो श्लोक है सब कुछ मुझे अर्पण कर, लेकिन हाँ लेकिन पुजारियों ने अर्पण करते हैं, लेकिन मन में इच्छा किया वापस लेकर हम खाएंगे, ये भोग की भावना सेवा की भावना नहीं है। इसीलिए जब हमारे गुरुवर्ग ने पूजा करते हैं संपूर्ण निष्काम रूप से सेवा भाव से, लेकिन जब बुद्ध जी कोई दीक्षा लेकर के पूजा करते हैं उनका भाव थोड़ा अलग हो जाता है। इसीलिए भक्ति जीवन में सरलता लेकर के दिन दिन बनकर ठाकुर जी की सेवा भावना से कोई भी सेवा हम करें तो भगवान इस सेवा ग्रहण करते हैं। बोलो अलन्ना जीव की बहुत आनंदे हरि की। गुरवे गौरचंद्राय राधिके।
निकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग जहाँ पर आए हैं ये स्थान का नाम है अलारनाथ। जैसा जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी का एक दूसरा नाम है नीलाचल और ये स्थान का नाम है नीलगिरी और दूसरा नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के पहले प्रथम आचार्य है। वो जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रद्युम्न के अनुरोध क्रमे प्रतिष्ठा करने के लिए ठाकुर जी को नीलाचल में आए थे, लेकिन यहाँ पर इसी पर्वत में नीलगिरी ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत में यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे। गिरी मतलब पर्वत और ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी ने तपस्या किए, इसलिए इस स्थान का नाम ब्रह्मगिरी। लेकिन ये जगन्नाथ जी जब 15 दिन गुप्त लीला में रहते हैं अशुस्त लीला करते हैं तो उसी समय जगन्नाथ जी का अदर्शन और विरह के कारण श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और दर्शन करने के लिए आते थे, जिनके कारण उसके बाद सब भक्त लोग उसी 15 दिन यहाँ पर भी आते हैं। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए ये स्थान की बड़ी महिमा है, क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है और दूसरा है महाप्रभु की 3.5 जन पार्षद। पहला है स्वरूप दामोदर प्रभु और राय रामानंद जी, सिखी महांती और माधवी देवी, वहां से 2.5 जन तो यहां पर ही रहते थे। राय रामानंद जी और माधवी देवी और सिखी महांती। और चैतन्य महाप्रभु को एक गौड़ीय में एक आर्टिकल निकला है ब्रह्मगिरी करके, उसमें बड़ी अच्छी तरह दिया गया चैतन्य महाप्रभु क्यों आते थे यहाँ पर, वो सब संजय प्रभु बताएंगे अच्छी तरह। कि हमारे छोटे हरिदास को दंड देने के कारण जब स्वरूप दामोदर प्रभु और अन्य महापुरुष पार्षद लोग महाप्रभु को निवेदन किए उनकी क्षमा करने के लिए, लेकिन उसके कारण महाप्रभु उसी प्रकार आदर्श को स्वीकार नहीं किए, उस प्रकार व्यवहार को, इसलिए उनको त्याग किए। तो वहां पर निवेदन करते हैं मैं ब्रह्मगिरी चला जाऊंगा, और दक्षिण भारत में जब जाएंगे तभी वो सब बात बोलेंगे। लेकिन बात है कि ये चैतन्य महाप्रभु की अनेक अनेक लीलाओं के साथ ये स्थान जड़ित है। और दूसरा है ये विग्रह नो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतंग राजन विश्वासो नैव जायते। जैसा हम लोग जाते हैं तोटा गोपीनाथ में, क्या नाम गदाधर पंडित के अनुरोध क्रमे गुरुदेव कहते हैं कि गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है, और राधा रानी बोले और कृष्ण तो राधा रानी के पूर्ण वशीभूत है, इसलिए तो राधा दामोदर है। प्रकाशित रूप में जसोदा माँ के एक दिन के लिए वो दामोदर है, लेकिन अप्रकाशित रूप में राधा रानी के लिए वो हर समय दामोदर है। यानी एक दिन तो मात्रा में वशीभूत हुए राधा रानी के, लेकिन हर समय के लिए कृष्ण राधा रानी के वशीभूत है। इसलिए गदाधर पंडित के बोलने पर कृष्ण बैठ गए वो बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे ही लेकिन यहां पर जो लीला है बड़े अद्भुत है, वहां पर कृष्ण बैठ गए। और उडुपी में हम लोग जाते हैं कृष्ण भक्त के लिए ठाकुर जी गोपाल जी घूम जाते हैं, विंडो के दरवाजे के जो झरका के तरफ से दर्शन करना पड़ता है ठाकुर जी के, भक्त के लिए ठाकुर जी घूम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा एक अद्भुत लीला की है, जैसा कि बता रहे थे कि हमारे जित कृष्ण प्रभु महाभारत की एक कथा है
कि दुर्योधन नारद जी ने पूछा भगवान को, ठाकुर जी आप तो गए थे लेकिन प्रसाद क्यों नहीं पाए, दुर्योधन सुवर्ण की थाली में आपको अर्पण करते, भानुमति चांदी की कटोरी चांदी की लोटा में आपका पैर को प्रक्षालन करते, इतना सुंदर भव्य स्वागत को छोड़ करके आप क्यों आवे, और विदुर के घर में जिनके घर में झोंपड़ी है केवल, कुछ धन भी नहीं, खाने के लिए मिला केवल साग केला की और वही छिलका को आप ले लिए, क्या कारण? ठाकुर जी बोले देखो तीन कारण से कौन खाता है। पहला कारण ये है कि जब कोई अगर काम बन जाता तब वो खाते हैं, और दूसरा है कोई अगर जिसके लिए गए थे काम बन गया तो खाएंगे, और दूसरा है अगर भूख लगता है तो खाएंगे, नहीं तो अगर देने वाला व्यक्ति सामने वाले के पास अगर ज्यादा श्रद्धा है प्रीति है तब खाते हैं। तो दुर्योधन के पास में जिसके कारण के लिए गया था काम बना नहीं, और मेरे अंदर भूख तो नहीं था क्योंकि मैं खुद विश्वंभर हूं, और उनके अंदर श्रद्धा भी नहीं था इसलिए नहीं खाया, तो इससे प्रमाण मिलता है ठाकुर जी यहां पर लेकिन गरम गरम खीर भी खा लिए, क्योंकि बच्चा निष्पाप शिशु सरल हृदय और सच्ची भावना से कोई कपटता नहीं था, ठाकुर जी के सामने गए, पिताजी विदेश चले गए थे माताजी के आदेश पर, माताजी ने खीर बना दिए, और वो ये सब रामानुजाचार्य के परंपरा से सब ब्राह्मण थे, और बच्चा जब खीर खिलाया तो पहले तो अर्पण किए माताजी को पूछा कि कैसे खिलाना चाहिए, बोले कोई बड़ी चीज नहीं है ठाकुर जी को भोग लगाना, और खीर लेकर के जाना ठाकुर जी के सामने रखना, तुलसी डाल देना और दरवाजा बंद कर लेना, और जो कुछ देर के बाद जाना ठाकुर जी को भोग लग जाएगा यानी ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे फिर ले आना। तो बच्चा तो सरल होती है, विश्वास पूर्वक गए ठाकुर जी के सामने रख दिए और बुलाए, ठाकुर जी आप आइए, मैं अज्ञ व्यक्ति हूँ, मंत्र नहीं जानता हूँ, पूजा पद्धति पता ही नहीं, पिताजी बाहर गए, आप मेरा मजबूरी को आप समझ लीजिए, आप ले लीजिए। तो कुछ देर बाद अर्पण कर निवेदन करके बंद करके बाहर आए, और जो बच्चे के साथ खेलने लगे फिर गए, फिर खाए नहीं तो रुठ गए, ठाकुर जी को निवेदन किए, तो ठाकुर जी आकर के प्रसाद लिए, खाली थाला लेकर के आ गए, माता जी बोले प्रसाद, बोले प्रसाद ठाकुर जी ले गए। माता जी ने सोचा कि शायद बच्चा खुद ले लिया, और खीर प्रसाद है, खीर तो जरूर अच्छा लगता है बच्चा को, तो इसलिए खा लिया, लेकिन बाहर आके कहता है कि हमारे पास आकर के ठाकुर जी खा गए। पिताजी इतना साल हो गया बिल्कुल देते देते बूढ़े बन गए और ठाकुर जी खाए नहीं, और बच्चा आज गए अर्पण किए ठाकुर जी खा लिए, ठीक है। दूसरा दिन दिए तो ठाकुर जी सचमुच पा लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय भोग लगता था ठाकुर जी नहीं पाते थे, वो तो दृष्टि भोग है, ठाकुर जी दर्शन मात्र ही भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन बच्चा की वो बालक की इतना कोमल गति, इनका भावना को व्यक्त, जैसा सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम, भृत्य की भाषा को प्रकट रूप में प्रकाशित करने के लिए ही ठाकुर जी ने ग्रहण किया, जैसा प्रहलाद महाराज जी ने बोले कि स्तंभ में ठाकुर जी को टाइम नहीं लगा, प्रकट हो गए स्तंभ से, तो ऐसा ठाकुर जी बोले तो पुजारी भोग लगाता तो नहीं, तो आज तक फिर हम लोग भोग लगाते हैं तो प्रसाद फिर नहीं बनता क्या, पुजारी भोग लगाते तो प्रसाद ही प्रसाद है, ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। हमारे उड़िया में कथा है, पंडा रंधा भात तियण को जेवे आखिरे दियंती देखी, मतलब समझते हो पंडा जब रसोई बनाते है उसी चावल का जब ठाकुर जी बड़े बड़े आंख से देख लेते हैं बस हो गया प्रसाद, इसलिए क्या होता है चक्र मनोही, जगन्नाथ जी रथ में जब बैठेंगे और सब लोग नारियल को ऐसा फोड़ देंगे और दिखा देंगे ठाकुर जी ग्रहण कर लीजिए हो गया प्रसाद बन जाता है। एक दासिया बहु यहाँ पर भक्त थे, उन्होंने श्रीफल को दिए और खुद नहीं आए थे, और क्योंकि मजदूरी काम करना पड़ता था उनको, मजदूरी का काम करना पड़ता था, तो एक ब्राह्मण लोग आते थे उनको दे दिए, बोलते ये श्रीफल है, श्रीफल मतलब नारियल, नारियल को ले लो और ठाकुर जी को दे देना, लेकिन हाथ बढ़ा करके लेंगे तो देना, नहीं तो वापस आ जाना, वापस ले आना हमारे सामान, ठाकुर जी ऐसे नहीं देना। तो ब्राह्मण ने बोला क्या बेवकूफपन है, ठाकुर जी हाथ बढ़ाएंगे लेंगे, ठीक है दे दे, तो चले गए। वो नीच जाति में पैदा हुए थे, बाउरी कहते हमारे ओडिया में, तो उनका नाम था दासिया, और है तो दास भगवान की, और ऐसे बुलाते हैं जैसा जिनका नाम दासरथी है, तो उनका कभी कभी भी अपभ्रंश होके कोई
बोलते हैं, लेकिन वो दास के कारण दासिया था। उन्होंने ब्राह्मण चले गए और ठाकुर जी को अर्पण किए और अपना सब कुछ काम किए। जब बाहर लौट रहे तो याद आ गया, अरे उन्होंने दिया था नारियल। तो नारियल जब दिखाया ठाकुर जी को, दोनों हाथ आए तो नारियल कहाँ गए? ये तो देखते ही बड़ा पागल हो गया, क्या हो गया ऐसा। और सुबह देखा वो नारियल गिरा था लेकिन अंदर रस नहीं था, जब तोड़ा गया क्योंकि ठाकुर जी ग्रहण कर ले पूरा पूरा। और यार एक साधु बता रहे थे, ठाकुर जब जो देते हैं डाब के अंदर पानी जैसा देते हैं, किसको पता नहीं चलता, 100 फुट के ऊपर पानी नारियल है और अंदर पानी भरा हुआ है, और जो लेते हैं कपित्थ से रस जैसा हरण करके लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। मतलब कोई था जानते हैं कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं। कई थे मतलब कि फल होती है, बड़ा हार्ड होती है, बेल जैसा एक फल होती है, उसको हाथी जब खाता है तो डायरेक्ट ऐसे ले लेता है, और जब मल क्या करेगा उसको कोई तोड़ेगा ना, अंदर से रस नहीं होगा लेकिन बाहर को ऐसे ही है। तो ठाकुर जी जब ले लेते हैं ऐसे ही लेते हैं, किसको पता नहीं चलता, और देते हैं कुछ को पता नहीं चलता। तो नारियल को पूरा ले गए और आम ग्रहण से अर्पण किए तो भी ले गए, और ऐसे जो बालक ने खीर प्रदान किया तो ठाकुर जी ने पूरा पूरा ग्रहण किए। पिताजी लौटे तो पूछा, अरे बेटा, माताजी बोले कि ये बेटा देता है, ठाकुर जी पूरा पूरा ले लेते। बोलते अच्छा मैं जाके देखो। पिताजी आकर जब देखा ठाकुर जी तो आए नहीं। बेटा बोले आप मुझे तो झूठा प्रतिपादन कर दोगे, रोज लेते थे आज क्या हो गया? लेकिन ठाकुर जी को पता है ब्राह्मण बाहर बैठे देखने के लिए चल रहा है, लेकिन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके खींचो, आप जरूर आइए प्रसाद लीजिए, नहीं तो मैं जाने में देर हो रहा है। ठाकुर जी आए और पूरा खीर खाने लगे, पूरा पूरा खा रहे। ठाकुर जी का इसलिए वो हाथ खोला, गरम गरम खीर है, शायद ठाकुर जी वेट कर रहे होंगे कि ठंडा हो जाए तब तो लूंगा। बच्चा तो बच्चा ही होता है, बालक बालक होता है, उन्होंने बोला कि देर होने से नहीं चलेगा, जल्दी ले लो। तो ठाकुर जी ने पूरा पूरा ग्रहण किया, लेकिन बाहर पिताजी थे, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भोग बुद्धि भगवान, भगवान कहते हैं ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता मा गुद्र कस्यचित धनम। कहते बेटा मैं जो भोग करके छोड़ता हूं उसमें तुम्हारा अधिकार है, मैं जब छोड़ूंगा तुम्हारा अधिकार है, मैं लेने के साथ तुम्हारा अधिकार नहीं, भोक्तारं यज्ञ तपसा। लेकिन ब्राह्मण जब ऐसा बोला, ठाकुर जी बोले तुम्हारे वंश में और कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये भक्त वैकुंठ चला जाएंगे तुम्हारे वंश ही निपात हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हमारे वस्त्र में तुम्हारा भोग बुद्धि आ गया। तो वंश निपात हो गए। राजा को ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, हमारे पूजा की प्रबंध करो। उन्होंने भरद्वाज गोत्री और वैशिष्ट्य गोत्री ब्राह्मण को, लोग पहले ब्राह्मण आचार्य के परंपरा से दक्षिण से आए थे ब्राह्मण लोग, उनका निपात हो गया। फिर बाद में ये लोग आए और अभी यहाँ पर उसी ब्राह्मण लोग की परिवार पूरा है। कोई पुष्पालक है जो श्रृंगार करते हैं, कोई सुपकार है जो रसोई बनाते हैं, कोई पंडा है जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। इसे बड़ी सुंदर रूप से यहाँ पर होती है, सेवा होती है। पीछे साइड भी चंदन सरोवर है, चंदन यात्रा होती है। बाकी सब कथा महाराज जी और हमारे संजय प्रभु बताएंगे। थोड़ा थोड़ा कर ले सबको, हरे कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, क्या हो रहा है, हरे कृष्णा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य मद भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, त्रिडंडी पादगण, ब्रह्मचार्य वृंद, वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोगों ने अभी बहुत सारे भक्तों के मुख से जिस स्थान पर हम आए हैं उसकी बहुत कुछ महिमा को, इस स्थान के ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको हम लोगों ने सुना, किंतु विशेष करके
श्रीमन महाप्रभु जी अलालनाथ जी क्यों आते थे और श्रीमन महाप्रभु जी का अनुगत्य करके विशेष विशेष रूप में श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस स्थान पर किस भाव को लेकर के आते थे, हम लोगों को उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है, किंतु इसका एक नाम जैसा बतला रहे थे ब्रह्मगिरी है। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस ब्रह्मगिरी को साक्षात गिरिराज गोवर्धन के रूप में दर्शन किया करते थे और निकट में ही जिस सरोवर के विषय में बतला रहे थे उसको साक्षात राधा कुंड जानकर श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस भावना के साथ में इस स्थान पर निवास करते थे। और जैसे विप्रलंब विरह के भाव का श्रीमन महाप्रभु आस्वादन किया करते थे, उन्हीं सब भावों का श्री प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आस्वादन करते थे। हम लोग इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को तो जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, किंतु हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो विशेष करके श्री सरस्वती ठाकुर के अनुगत्य हैं, उनके शिष्यों प्रशिष्यों के अनुगत्य हैं, हम लोगों के लिए इस स्थान का जो विशेष भावनात्मक महत्व है, एक तो है ऐतिहासिक महत्व जिसको आप लोगों ने सुना, ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की, उनको महाप्रभु जी ने दर्शन दिया, ये ठाकुर जी सतयुग के समय से हैं, ये सब ऐतिहासिक महत्व है। किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए इस स्थान का एक भावनात्मक महत्व है। हम केवल इतिहास की दृष्टि से इस स्थान पर नहीं आए हैं कि ये इतिहास की दृष्टि से बड़ा श्रेष्ठ स्थान है, वो तो है, किंतु ये वास्तव में भावना की दृष्टि से हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। वो भावना क्या है उसको तो विस्तार से कहने के लिए बहुत समय चाहिए, किंतु मैं संक्षेप में यदि कुछ बतलाऊं, श्री प्रभुपाद जी नीलाचल में उनका शुभ आविर्भाव हुआ पूरी धाम में, और युतकले पुरुषोत्तमात इस वाणी के अनुसार श्री प्रभुपाद जी ने सारे संसार में श्री गौर वाणी का प्रचार प्रसार किया। श्री प्रभुपाद जी का इस जगन्नाथपुरी धाम से एक विशेष धाम के प्रति एक विशेष अनुराग था। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी का भी इस पूरी धाम के प्रति विशेष अनुराग था। श्री प्रभुपाद जब भी समय सुयोग होता वो पूरी धाम में आते, और बहुत समय ऐसा वर्णन आया कि श्री प्रभुपाद पैदल जगन्नाथपुरी से श्रीमन महाप्रभु जी के अनुगत्य श्रीमन महाप्रभु का अनुगत्य करते हुए इस स्थान पर आया करते थे। किस भावना को लेकर के, जैसे कि प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये साक्षात क्या है गिरिराज गोवर्धन और निकट में राधा कुंड है। यदि हम इस स्थान से जाएंगे इस रास्ते से इस मार्ग से तो पीछे राधा कुंड है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे हम लोग किसका अनुगमन करके अलालनाथ जाएंगे, क्या भावना लेकर के अलालनाथ जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण रास से अंतर ध्यान होकर ब्रजमंडल परिक्रमा में एक स्थान है पैठा, उस स्थान पर जाकर के कृष्ण चतुर्भुज मूर्ति धारण करके खड़े हो गए और बहुत सारी गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करते हुए कृष्ण को ढूंढने के लिए गई। तो हमारे गुरुजी विशेष करके प्रभुपाद जी की इस भावना को बहुत विस्तार से बतलाते थे कि गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पैठा गांव में पहुंची और उन्होंने देखा कृष्ण चतुर्भुज मूर्ति धारण करके खड़े हैं। गोपियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे बढ़ गई कि ये तो हमारे आराध्य ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नहीं है, ये तो चतुर्भुज मूर्ति नारायण है। तो हमारे गुरुजी कहते थे उन गोपियों की कैसी निष्ठा है कृष्ण के प्रति, उनका बड़ा महात्म्य है, उन्होंने नारायण के रूप साधारण नहीं है भगवान नारायण का रूप, किंतु ब्रज गोपियां उससे मुग्ध नहीं हुई, नारायण को प्रणाम किया आगे चली गई। किंतु जो गोपियां राधा जी के अनुगत्य में आई, राधा जी के प्रेम की कैसी वैचित्री है, राधा जी के प्रेम का कैसा महात्म्य है कि कृष्ण राधा जी को दूर से देखकर और गुरु जी को भाव में आविष्ट होकर यहाँ तक कहते थे कि केवल राधा जी के कलेवर की गंध को पाकर के कृष्ण इतने भावुक हो गए कि वो अपने चतुर्भुज रूप को धारण नहीं कर सके। कृष्ण क्या हो गए, कृष्ण द्विभुज रूप श्याम सुंदर मुरली वदन रूप में कृष्ण परिणित हो गए, और राधा जी और उनके अनुगत्य में आने वाली ब्रज गोपियां उनको कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के ही दर्शन हुए। इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव लोग श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य में अलालनाथ जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन नहीं करते, ये यद्यपि अधिकार की बात है, जब अधिकार उन्नत होगा तब वास्तव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, प्रतिमान है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमान नहीं हो आप साक्षात कौन हो ब्रजेंद्र नंदन। तो हमारे गुरु महाराज जी विशेष करके बतलाते थे श्रीमन महाप्रभु
अलालनाथ जी का भी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में ही दर्शन किया करते थे, और उनके दर्शन का ही ये फल था कि पत्थर जो जिसका स्वभाव है काठिन्य, वो पत्थर भी अपने काठिन्य स्वभाव को छोड़ करके तरल हो गया। उस पत्थर में भी महाप्रभु जी के श्री अंग के चिन्ह बन गए। ये महाप्रभु जी के प्रेम का, और ये महाप्रभु जी वास्तव में ब्रजगोपियों के प्रेम का, और ब्रजगोपियों में भी श्रीमती राधा जी के प्रेम का ये वैशिष्ट है, ये वैचित्री है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी इन भावों के साथ, क्योंकि 15 दिन तक जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता उसको अनवसर काल कहते हैं, और श्रीमन महाप्रभु तो राधा जी के भाव में निमग्न है। और राधा जी का भाव क्या है? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, आपके विरह में हे गोविंद मुझको एक क्षण भी जो है युग के समान प्रतीत होता है। ये राधा जी के हृदय का भाव है, और महाप्रभु उन्हीं भावों का अनुसरण कर रहे थे, उन्हीं भावों का आस्वादन कर रहे थे। तो वो जगन्नाथ जी का 15 दिन तक दर्शन किए बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन भी इस रूप में किया करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से कहा है कैसे भाव में आविष्ट होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आई राम कुरुक्षेत्रे, सफल होइलो जीवन देखी लो पद्मलोचन, जुड़ाई लो तनु मन नेत्रे। ऐसे कभी तो बलदेव सुभद्रा जी के साथ में दर्शन करते तो राधा जी के भाव में महाप्रभु के मन में क्या भावना थी, मैं तो कुरुक्षेत्र में आ गया। और कभी कभी वो केवल जगन्नाथ जी का श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करते तो महाप्रभु तो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। तो इस अनवसर काल में ये 15 दिन में जब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा, महाप्रभु विरह में इतने व्याकुल हो जाते कि महाप्रभु इस स्थान पर आते, और इस स्थान पर आकर के महाप्रभु जी निवास करते, इन सब भावों में निमग्न रहते। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भी श्रीमन महाप्रभु जी का अनुगत्य करते हुए, और वो तो यहाँ तक कहते थे कि हम अलालनाथ गमन करेंगे। अब इसमें अधिकार का विचार है, किंतु श्रील सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की भाषा, उनके भाव, केवल मैं कुछ बतलाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि श्रील सरस्वती ठाकुर जी तो यहाँ तक कहते थे हम अलालनाथ जी अनुगमन करेंगे राधा जी के गणों में सम्मिलित होकर। राधा जी के गण कौन है? उनके गणों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ललिता जी। ललिता जी के अनुगत्य में हम अलालनाथ गमन करेंगे, कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए हम अलालनाथ जी जाएंगे। राधा जी का अनुगमन करते हुए हम अलालनाथ जी जाएंगे। इतना उन्नत कोटि का भाव श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने हृदय में संवरण करके इस स्थान पर आया करते थे। ये स्थान श्रीमन महाप्रभु जी का पदांकपूत भूमि है, जहाँ अभी हम बैठे हैं हरि कथा सुन रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की भजन स्थली है। वो महापुरुष यहाँ पर आकर इन सब अपराकृत भावों का आस्वादन करते थे, और रात दिन इन सब कथाओं की, इन सब विचारों की चिंतन किया करते थे। तो हम भी इस स्थान पर आए हैं, श्री गुरु चरणों में निवेदन करेंगे। जैसा कि प्रभु जी बतला रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में 5 प्रसंग मिलते हैं, 5 प्रसंगों का वर्णन है। महाप्रभु जी जगन्नाथ, ये अलालनाथ जी में आया करते थे जो जगन्नाथ पुरी से, उसके 5 प्रसंगों का वर्णन मिलता है। एक तो महाप्रभु विरह में व्याकुल होकर के आया करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलता था। एक जब छोटे हरिदास ठाकुर जी पर कृपा करने के लिए भक्तों ने निवेदन किया, तब महाप्रभु ने कहा मैं चला जाऊंगा अलालनाथ। एक जब राय रामानंद जी के भाई गोपीनाथ पट्टनायक, उनके ऊपर जब राजा ने दंड दिया, भक्तों ने कहा आप राजा की रक्षा करो, तब महाप्रभु ने कहा मुझको आप शांति से भजन नहीं करने देते, राज कार्यों में लगाते हो, मैं अलालनाथ चला जाऊंगा। और एक जब महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे थे, और एक जब महाप्रभु दक्षिण भारत से लौट कर आए, तो ये 5 प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और बहुत सारी लीलाएं हैं, महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे कैसे नित्यानंद प्रभु उनको साथ में लेकर आए, महाप्रभु जी का दर्शन करके इस स्थान पर लाख लाख लोग कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए, महाप्रभु जी के झलक पाने के लिए लोग इतने व्याकुल हो गए। नित्यानंद प्रभु जी ने अलालनाथ जी के मंदिर में भीतर, जहाँ से अभी हम आए हैं, वहाँ भीतर में द्वार बंद कर लिया भीतर से, और महाप्रभु जी के सेवक जो सब साथ में थे उन्होंने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को प्रसाद परिवेशन कराया, और लोग इतने उत्कंठित थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए कि स्थान को ही नहीं छोड़ना चाहते थे। तब महाप्रभु जी ने द्वार विमोचन कराया, द्वार खोल करके सारे भक्तों को दर्शन दिया। तो ये स्थान बड़ा ही अद्भुत है, हम लोग भी श्री गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे। शिला सरस्वती ठाकुर जी कहते थे इन 5 प्रसंगों में, जो महाप्रभु जी के अलालनाथ जाने के जो ये 5 प्रसंग हैं, हम कौन से भाव का अनुसरण करेंगे? तो वो कहते थे हम महाप्रभु जी के उस विरह व्याकुल भाव का अनुसरण करके अलालनाथ जाएंगे, कि महाप्रभु जी विरह में व्याकुल होकर के, राधा जी के भाव में व्याकुल होकर के कृष्ण को ढूंढने के लिए अलालनाथ जी जाते थे, और यहाँ आकर के उनकी विरह वेदना प्रशमित होती थी, शांत हो जाती थी। तो हम लोग तो राधा जी के पक्षपाती हैं, अंततः प्रयास तो कर रहे हैं,
साधन दशा में हैं, अंततः प्रयास तो कर रहे हैं कि हम लोग राधा जी के पक्षपातित्व में, राधा जी के अनुगत्य में, ललिता जी के अनुगत्य में, रूप गोस्वामी रूप पंजरी जी के अनुगत्य में हम लोग इस स्थान पर जाएंगे। तो अभी इस साधन दशा में जा रहे हैं, किंतु जैसा रूप गोस्वामी जी ने कहा है ना, सेवा साधक रूपेणा सिद्ध रूपेणा छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोक अनुसारता, ब्रजलोक अनुसारता अर्थात अब इसको कहने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, बस मूल बात यह है एक ब्रजवासी का अनुसरण करना है। तो शिला प्रभुपाद जी वो तो रूप गोस्वामी जी के, ललिता जी के, राधा जी के निज जन हैं, वो जिस भाव का अनुसरण करते थे उसी भाव का अनुसरण हमारे गुरुपाद पद्म शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, शिला प्रभुपाद जी के गण उन्होंने किया। तो हम अपने गुरु चरणों में यही प्रार्थना करेंगे इस भाव का छीटा पुटा, अभी तो हम साधक रूप में कर रहे हैं, नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए इस स्थान पर आए हैं, ये है सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण छात्र ही, किंतु भावना हृदय में क्या होगी कि हम किसी जन्म में किसी अवस्था में किसी काल में राधा जी के अनुसरण में, ललिता जी के अनुसरण में, रूप मंजरी जी के अनुसरण में, अब ये बहुत उन्नत स्तर की बात है। किंतु श्री प्रभुपाद जी इस बात को कहते थे केवल अनर्थ निवृत्ति करना साधन नहीं है, अर्थात संपूर्ण साधन नहीं है, अनर्थ निवृत्ति करने के साथ साथ अर्थ प्रवृत्ति की भी जानकारी होना आवश्यक है। हमको साधक, हम साधन कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति होने पर हमको क्या प्राप्त होगा इसकी जानकारी होना हमको आवश्यक है। यदि जानकारी नहीं है तब हमारा साधन भी संपूर्ण नहीं है, इसलिए अनर्थ निवृत्ति के साथ साथ हम लोग अर्थ प्रवृत्ति का भी कुछ अनुसंधान करेंगे। किस लिए इस स्थान पर आए, इसलिए हमारे गुरु जी भी कहते थे हम सारा जगत में प्रचार करने जाते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, हम सारे जगत में प्रचार करने जाते हैं, प्रहलाद शिक्षा कहते हैं, ध्रुव शिक्षा कहते हैं, किंतु साथ साथ हम रूपानुग भजन की बात अवश्य बतलाते हैं। ये वास्तव में गुरु महाराज जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के विचारों का ही अनुसरण कर रहे थे, उनके ही मनोभीष्ट को पूरा करने के लिए वो सारा जीवन चेष्टारत थे। इसलिए अभी हम इस साधक दशा में नाम कीर्तन करते हुए गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में इस स्थान पर आए हैं, किंतु इस भाव को लेकर के, ये भाव का छीटा पुटा, ये भाव की छाप, जिसको श्री सरस्वती ठाकुर की भाषा में कहा जाए तो भावे छाप, ये भाव की छाप हम अपने हृदय में लेकर जाएंगे कि एक जन्म में, किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी काल में हम श्रीमन महाप्रभु श्रीमती राधा जी इनके भाव का अनुसरण करते हुए इनके अनुगत्य में कभी हम कृष्ण को बैठा गांव में ढूंढने के लिए जाएं, तब वास्तव में हमारा मूल अलालनाथ दर्शन हमारा संपूर्ण रूप में होगा। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक कीर्तन लिखते हैं, गौर आमार जे सब स्थानी करल ब्राह्मण राके, से सब स्थान हरि बवापी प्रणय भगत साके, सो सबत चरण रे भजन बोला। ये कीर्तन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ऐसे नहीं धाम दर्शन करने के लिए आए और अपने आप मनमर्जी घूम रहे हो, नहीं कहते श्रीमान महाप्रभु जहां पर इतने प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीला की, कहते कैसे दर्शन करनी चाहिए, बोले प्रणयी भक्त संग, अकेले अकेले नहीं, हाँ हम खूब पूरी घूम करके आए, खूब खाए पिए इधर उधर घूमे और वापस आ गए, नहीं भ्रमण करने का तभी पूर्ण फल मिलेगा जब हम रसिक और प्रेमी की भक्तों की अनुगत्य में श्री धाम को दर्शन करें, नहीं तो आंखों का कसरत और कानों का कसरत हो जाएगी और धाम दर्शन करने का फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की अनुगत्य में ही दर्शन करनी चाहिए, अपने आप घूमनी नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने अभी श्री संजय प्रभु जी से इतने सुंदर कथा सुन रहे थे, इसलिए एक श्लोक में बताया भले ही श्रुति है कहते भारत को वंदना करता है, महाभारत को कोई पुराण को वंदना करता है, लेकिन मैं तो श्री नंद बाबा को वंदना करता हूँ। बोले क्यों, बोले जस्सा लिंदे परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म परात पर तत्व जिनके आंगन में घुटन पर है, जहाँ पर घुटन पर सुंदर मीठी मीठी लीला करते, उसी तरह भले ही कोई दूसरों को वंदना करे, कोई दूसरों को वंदना करे, लेकिन हम किसको वंदना करते हैं,
हम तो हमारे श्री गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को बनाते क्यों कारण क्या बोले कारण है जिनकी संतान रूप में जिनकी शिष्य रूप में और इतने प्यारे प्यारे भक्त लोग हैं। हम तो हर जगह पर जाते हैं ना, किसी गौड़िया मठ में एक अच्छा वक्ता ढूंढना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा तो देखो, सन्यासी को तो बात छोड़ दो, कहते हम तो उदाहरण देते हैं, गुरुदेव को एक टच स्टोन है, जैसे हैं जैसे पारस पत्थर में जैसे लोहे को स्पर्श कराओ ना जैसे सोना बना देती है, उसी तरह गुरुदेव एक टच स्टोन थे। कहते नहीं सन्यास की बात छोड़ दो, लेकिन इनकी ब्रह्मचारी को अंदर बात देखो। हमारे बंसी वदन प्रभु क्या कथा सुना रहे थे, सुन रहे थे ना, क्या सुंदर कथा सुना रहे थे। इनके कथा टीवी में भी बड़े सुंदर कथा आती थी इनकी, और इनकी और इनका आप लोगों ने देखा हमारे संजय प्रभु जी यद्यपि ये रहते हैं घर में, लेकिन संजय प्रभु जी घर में रहते ही इनका आप लोगों ने कितना विचार सुंदर प्रभुपाद का, कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार उन्होंने जो बताया है। देखो आप पृथ्वी में कहीं भी जाओ ना, इतने सूक्ष्म और इतने सुंदर विवेचना, और हमारे महाप्रभु के धारा के अनुरूप जो महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में जो जिस ब्रज प्रेम को देने के लिए आए थे, जिस धारा को महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को दिए, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को, जीव गोस्वामी धारा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसी धारा में श्री भक्ति विनोद, उसी धारा में प्रभुपाद आए, उसी धारा में हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और उसी धारा में हमारे श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज आए, और उसी धारा में हमारे ये भक्त लोग जो आए। आप लोगों ने विचार सुना ना, बड़े अच्छे विचार बताए, ये हमारी गौड़ी वैष्णव का बड़ी सूक्ष्म विचार है। हम लोग तो बड़े सौभाग्यवान जो कि श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की धारा में आए, हम लोग बड़े सौभाग्यवान। राधा रानी स्वयं सेवा कुंज में प्रसाद दे करके राधा रानी स्वयं पुजारी को स्वप्न देते हैं, पुजारी को सेवा कुंज में कहते नारायण महाराज मेरी सखी है, जाओ इनको प्रसाद दे करके आओ, इनको हम लोग प्रसाद दे करके आओ। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, इसलिए आप लोग जिस स्थान पर आए ये कथा तो आप लोग ने सारी कथा सुन ली है। इसमें एक विग्रह दर्शन करो, वो मंदिर में देखो वहाँ पर एक विग्रह रखा हुआ है, ये आलार नाथी की विजय विग्रह है। जब श्रील प्रभुपाद उन्होंने 64 मठ स्थापन किया है, ये 64 मठ में ये एक अन्यतम है, जैसे 64 भक्ति की 64 अंग है, उसी तरह प्रभुपाद ने 64 मठ स्थापन किया, उसमें ये एक अंतर्गत है। इसलिए श्रीमन आप लोगों ने श्रवण किया, प्रभुपाद ने यहाँ पर क्यों ये गौड़ीय मठ को स्थापन किया, इसका रहस्य क्या है, आप लोगों ने श्रवण किया है कि जो अलारनाथ है जो ठाकुर को दर्शन किया है चतुर्भुज रूप में, लेकिन ये चतुर्भुज होने पर जो नारायण पद नहीं, कहते चतुर्भुज होने पर ये जो चतुर्भुज है वहां पर प्रभुपाद बताए कौन सा हाथ में चक्र होनी चाहिए, किसमें गदा, किसमें कमल, किसमें पद्म होनी चाहिए, जिसको श्री जनार्दन विग्रह कहते हैं। इसलिए ये ठाकुर में जो चार ही हाथ है, चार ही हाथ में जो आयुध है, ये ठाकुर जी को नारायण नहीं बताया गया, ये ठाकुर जी को जनार्दन बताया गया, कि ठाकुर जी कृष्ण है। इसलिए प्रश्न है ना, तो महाप्रभु जो राधा भाव में विभावित है और जिसने राधा रानी भाव में विभावित होकर के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए, पर यहाँ क्यों आएंगे जब जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं होता है, पर यहाँ किस लिए आएंगे, यहाँ आने का क्या कारण है, वो कारण यही है कि जो स्थान है अभी बता रहे थे ना, ये अभिन्न वृंदावन धाम है। जैसे वृंदावन धाम में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमण राधा श्याम सुंदर सब आपको जगन्नाथपुरी में, ये सारे ठाकुर आपको ये पुरी में ही मिलेंगे सारे। अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद बताए ये राधा कुंड है जहाँ पर हरिदास ठाकुर भजन किया, वो ब्रह्मा जी वो ब्रह्माचल पर्वत कहते ब्रह्माचल पर्वत है वो है, यहाँ पर राधा कुंड गोविंद सारे ठाकुर आपको यहीं पर मिलेंगे। इसलिए जो स्थान है ये बासंती रास का स्थान है, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ जंगतपुरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ श्री मधुपुरी मथुरा, उससे श्रेष्ठ वृंदावन, और उससे श्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन, और उससे श्रेष्ठ राधा कुंड श्याम कुंड, और जो श्रेष्ठ है जहाँ पर भगवान ने बासंती रास जहाँ पर किया है, इसलिए ये बासंती रास का ये स्थली है। तभी यहाँ पर आकर के महाप्रभु ये ठाकुर को दर्शन करते हुए चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं करते थे, इनको दर्शन करते थे पैठा रूप में, जहाँ पर जिसमें कहते ना
जब श्री राधा रानी आती है, गोपियां आई तो पूछे हमारे श्याम सुंदर कहाँ, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। लेकिन जब श्री राधा रानी आती है, राधा रानी का आते ही केवल उनकी शरीर की थोड़ी सी गंध पाते ही, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बंसी करान निपति तस्खलितम सिकंड भ्रष्ट जब पीत वसन ब्रजराज सुन, केवल राधा रानी की शरीर के अंग की गंध पाते ही कृष्ण का मयूर मुकुट गिर जाते हैं, हाथ से बंसुरी गिर जाती है, उनके वस्त्र कब खिसक जाते हैं उनको पता नहीं चलते हैं। और कृष्ण तो कभी कभी राधा रानी के शरीर की अंग की खुशबू आते ही वहाँ उनकी एक तेरे से चितवन से श्याम सुंदर कभी वहाँ पर गिर जाते हैं, श्याम सुंदर कभी गिर जाते हैं। इसलिए ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ तो की जहाँ पर स्थापन हुई। इसलिए श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर आकर के 15 दिन तक रह करके वो विप्रलम्ब भाव से जो पत्थर है, हम तो अयोध्या में जाओ तो रामचंद्र का चरण मिलेगा, वृंदावन में भी कृष्ण का चरण मिलेगा, लेकिन किसी भगवान के संपूर्ण शरीर का जो चिन्ह कहीं नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो केवल आलारनाथ में मिलेगा। और पत्थर को देखे ना, जिसमें महाप्रभु सैनिक किए थे, उनका हाथ पैर नाक सर सबके सब चिन्ह ये पत्थर गोबर में एकदम पड़ा हुआ है, ये पत्थर गोबर पड़ा हुआ है। इसलिए स्थली और एक समय प्रभुपाद आ रहे थे, आते समय मंदिर में जब इधर से आ रहे थे, आप देखना जैसे ये वृंदावन है ना, सारी सुंदर कटहल का पेड़ है, आम का पेड़ है, यहाँ पर नारियल का पेड़, जब प्रभुपाद आ रहे थे हठात प्रभुपाद ने हठात जंगल में चले गए। भक्त लोग ने सोचा शायद महाप्रभु शौच क्रिया के लिए गए, सब भक्त लोग इधर आ गए, लेकिन देखा प्रभुपाद आए, जब प्रभुपाद आए नहीं देखने के लिए गए, प्रभुपाद गए का देखा प्रभुपाद जंगल में गए और वहां पर एक बिंब फल है, और एक बिंब फल को दर्शन करते ही राधा रानी की चरण की स्मरण उनका आया, स्मरण आया तो प्रभुपाद नयन मणि मंजरी, इसी भाव में विभावित होकर के प्रभुपाद वहां पर बेहोश होकर पड़े हुए, प्रभुपाद मुंह से झांक निकल रहा था, और किसी तरह से उनको होश करवाया और होश करा के फिर यहीं पर लाए। इसलिए यहीं पर जो प्रभुभक्त रहते थे, ये जो आलारनाथ का जो विग्रह विजय विग्रह है, छोटे से विग्रह किसी भक्त घर में रहते थे, ये जो वहां पर एक विग्रह है, ये देखो नीचे रखा हुआ विग्रह है। अभी उन्होंने वो भक्तों को स्वप्न दिया, बोले देखो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं प्रभुपाद एक महान भागवत है, इसलिए ये हमारे सखी ये विग्रह को लेकर उनको उनको लेकर के विग्रह उनको दे दो, उनके मंदिर में स्थापन कर दो। अभी विग्रह स्वयं स्वप्न दे करके उनके मंदिर से यहाँ पर आए, जो लोग अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अगर ये विग्रह को दर्शन कर देखो नीचे रखा हुआ विग्रह दे दो, अगर ये विग्रह को दर्शन करे उसको आलारनाथ दर्शन करने का उनको फल प्राप्त होता है। इसी दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र। अभी हम लोग जहाँ जाएंगे श्री राय रामानंद जी का जन्म स्थान, जहाँ पर राय रामानंद कौन है, कहते ये श्री विशाखा सखी है, और वहाँ पर सखी माई जी और महादेव जी प्रभु जी सुना रहे थे ना, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का 3.5 जन्म में 2.5 जन्म यहीं पर जन्म हुई। इसलिए गाँव का नाम भी गोपीनाथपुर है, हैं? उसका नाम बैकुंठपुर, लेकिन अपभ्रंश होकर के उस स्थान का नाम पड़ गया बेटपुर नाम पड़ेगा, उसका नाम भी बैकुंठपुर। क्यों? ये जो स्थान है भगवान की नित्य दिव्य उनको लीला स्थली है। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप लोग सबके सब ठाकुर को प्रणाम करो और यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि हमको टाइम से वहाँ से हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत रात हो गया है, इसलिए प्रणाम करो। प्रणाम करते सीधा सीधा जाकर के जहाँ पर हम लोग ने बस छोड़े थे वहीं पर अभी वो बस वहीं पर खड़ी हुई, और सीधा सीधा बैठ जाना। हाँ इधर सुना हरे कृष्णा सुना, इधर जो लोग सीट में बैठे हो अभी आप लोग में दर्शन करा रहा हूँ, अभी कोई लोग आउट मत होना, मैं करा रहा हूँ ठीक है। जिस बस में मैं एक एक भक्त को बोल दूंगा उसी बस से अभी करा रहा हूँ ठाकुर जी के दर्शन। ठाकुर जी और आगे हो सकते हैं, ओपन किस लाइव से कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं विदेश तक, ठाकुर जी और आगे सकते हैं।